नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 508 के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहां पे करेंगे। और दोस्तों, ये डीलेट कोर्स 508 का पार्ट नंबर एक है जिसमें कि हम लोग लगभग 30 क्वेश्चंस इसमें करेंगे। जैसा कि दोस्तों, इसके पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने कोर्स 506 और 507 के जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस किया था। और आप सबों ने देखा होगा कि एग्जामिनेशन में लगभग जो है 8 से 9 क्वेश्चंस जो वो वीडियो में से ही थे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को देखते हैं जितने भी यहाँ पे 508, 509 या फिर 510 के जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर आते हैं, अगर आप उसे देखते हैं अच्छे तरीके से, उन सारे क्वेश्चंस को करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन में 8 से 9 क्वेश्चंस आप MCQ टाइप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चंस को करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल लगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक NIO से डीलेट कर रहे हैं उन सबों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो यहाँ पे आपको इस सेमेस्टर में जो है तैयारी करना काफ़ी जरूरी है, अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा ताकि आपका पेपर इसमें फंसे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आगे जो है 508 से लेकर 510 तक के एग्जाम जो है फिर से नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक NIOS ने जो है कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसके लिए जारी नहीं किया है कि 508, 509 या फिर 510 का जो है दोबारा एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो इसीलिए इस सेमेस्टर का तैयारी आप अच्छे तरीके से करें। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, निम्नांकित कथन किसका है, यानी कि जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं वो किसका कथन है वो आपको बताना है। इसमें अगर कथन देखें तो दिया गया है, कला मनुष्य की सृजनात्मक आत्मा की वास्तविकता की पुकार के लिए एक प्रक्रिया है। इसके लिए देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिए गए हैं हार्वर्ड गार्डन्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी कथन दिए गए हैं वो किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। और दोस्तों, इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है ऑप्शन ABCD में से वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में आप ये भी कमेंट करके बताएं कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं वो कथन बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो दिया गया है, कला शिक्षा निम्नांकित में से किस पर एक आधारित है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दृश्य कला, ऑप्शन बी दिया गया है स्पर्शनीय कला, ऑप्शन सी दिया गया है निष्पादन कला, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि कला शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर एक आधारित है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए दिए गए थे दृश्य कला, ऑप्शन बी दिया गया था स्पर्शनीय कला, ऑप्शन सी दिया गया था निष्पादन कला, वो तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पेंटिंग वस्तुकला मृतभांड तथा मूर्ति कला क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दृश्य कला, ऑप्शन बी दिया गया है निष्पादन कला, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि दृश्य कला। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लोहड़ी का त्यौहार बच्चों को निम्नांकित में से क्या सिखाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया गया है कृषि का महत्व, ऑप्शन सी दिया गया है गेहूं कब बोया वो काटा जाता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आपको इसमें बताना है कि लोहड़ी का जो भी त्यौहार होता है निम्नांकित में से क्या सिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है, जिसमें कि ऑप्शन ए दिया गया था ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया गया था कृषि का महत्व, ऑप्शन सी दिया गया था गेहूं कब बोया वो काटा जाता है, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाओ चित्रकारी के कलाकार कौन है। इसके लिए देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वनमाली महापात्र, ऑप्शन बी दिया गया है विजय जोशी, ऑप्शन सी दिया गया है गोकुल बिहारी पटनायक, ऑप्शन डी दिया गया है काकू बेन लाल भाई परमार। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि विजय जोशी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, विद्यार्थी अपनी कला शिक्षा से निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण जीवन कौशलों को चुनते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है अच्छी स्मृति, ऑप्शन बी दिया गया है समझ बढ़ाना, ऑप्शन सी दिया गया है प्रतीकात्मक संचार की योग्यता, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका क्या सही आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग आरंभ किया था, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है सोना, ऑप्शन बी दिया गया है पत्थर, ऑप्शन सी दिया गया है लोहा, ऑप्शन डी दिया गया है निकेल।
तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि पत्थर, यानी कि मानव ने सबसे पहले जो है पत्थर का उपयोग किया था। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बिहू, ऑप्शन बी दिया गया है चेराव, ऑप्शन सी दिया गया है नागा नृत्य, ऑप्शन डी दिया गया है भरतनाट्यम। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि भरतनाट्यम। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंजाब में गेहूं किस महीने में बोया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अगस्त माह में, ऑप्शन बी दिया गया है अक्टूबर माह में, ऑप्शन सी दिया गया है नवंबर माह में, ऑप्शन डी दिया गया है दिसंबर माह में। तो आपको इसमें बताना है कि पंजाब में गेहूं किस माह में बोया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि अक्टूबर के माह में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, खाना पकाते समय किस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है सूती, ऑप्शन बी दिया गया है नायलॉन, ऑप्शन सी दिया गया है ऊनी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि खाना पकाते समय किस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि नायलॉन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, फुलकारी किस राज्य की दृश्य कला है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया गया है केरल, ऑप्शन डी दिया गया है उड़ीसा। तो इसमें आपको बताना है कि फुलकारी किस राज्य की दृश्य कला है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पंजाब का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन निष्पादन करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अभिनेता, ऑप्शन बी दिया गया है हास्य कलाकार, ऑप्शन सी दिया गया है जादूगर, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन निष्पादन करता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पाठचर्या का महत्वपूर्ण अंग है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है निष्पादन कला, ऑप्शन बी दिया गया है दृश्य कला, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि पाठचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि दृश्य कला। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपादित की जाने वाली स्वदेश क्रिया है किसकी उक्ति है, यानी कि किसने ये लिखा है, किसने ये बोला है, वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है किल पैट्रिक, ऑप्शन बी दिए गए हैं जे ए स्टीवंस, ऑप्शन सी दिए गए हैं जॉन डीवी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर होगा, जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि किल पैट्रिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है गुजरात, ऑप्शन डी दिया गया है पंजाब। तो इसमें आपको बताना है कि कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पदार्थ की अनुभूति कहलाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है स्थान, ऑप्शन बी दिया गया है बनावट, ऑप्शन सी दिया गया है आकृति, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बनावट। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, गेरू से कौन सा रंग दे सकते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है हरा, ऑप्शन बी दिया गया है नीला, ऑप्शन सी दिया गया है पीला, ऑप्शन डी दिया गया है भूरा। तो इसमें आपको बताना है कि गेरू से आप कौन सा रंग दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि भूरा रंग। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, दृश्य कला के मौखिक सिद्धांत हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है परिदृश्य, ऑप्शन बी दिया गया है संतुलन, ऑप्शन सी दिया गया है सामंजस्य, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पेंसिल बनता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हीरा का, ऑप्शन बी दिया गया है ग्रेफाइट का, ऑप्शन सी दिया गया है सिलिकॉन का, ऑप्शन डी दिया गया है फास्फोरस का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट का, यानी कि पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट का बनता है, अंदर जो भी आप काले रंग का उसमें देखते हैं वो ग्रेफाइट रहता है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अनुवेशन का मूलाधार है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सुनना, ऑप्शन बी दिया गया है अनुकरण, ऑप्शन सी दिया गया है आत्मसात, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है,
जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं हमारी सुनने की शक्ति डैश हो जाती है, यानी कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो सुनने की शक्ति क्या होती है वो आपको बताना है। इसके लिए देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सुनने की शक्ति बढ़ जाती है, ऑप्शन बी दिए गए हैं घट जाती है, ऑप्शन सी दिए गए हैं दोनों हो जाती है यानी कि बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है, ऑप्शन डी दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि बढ़ जाती है, यानी कि जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमारी सुनने की शक्ति वो बढ़ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी फिर इंडियन ब्लैक्स टाइप क्वेश्चन है। डैश एक पूर्ण आहार है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दूध, ऑप्शन बी दिया गया है पानी, ऑप्शन सी दिया गया है सब्जी, ऑप्शन डी दिया गया है फल। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि एक पूर्ण आहार है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि दूध, दूध एक पूर्ण आहार है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कुकुर खांसी का निवारण क्या है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है टीका, ऑप्शन बी दिया गया है बीसीए टीका, ऑप्शन सी दिया गया है डीपीटी प्रतिरक्षण, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि कुकुर खांसी का निवारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि डीपीटी प्रतिरक्षण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कथक, ऑप्शन बी दिया गया है बिहू, ऑप्शन सी दिया गया है कथकली, ऑप्शन डी दिया गया है कुचिपुड़ी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक नृत्य है जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि बिहू। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी फिर इंडियन ब्लैक्स टाइप क्वेश्चन है। चित्रकला डैश से ग्रस्त बच्चों की अनुभूतियों को व्यक्त करने में सहायता कर सकता है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ऑटिज्म, ऑप्शन बी दिया गया है माइग्रेन, ऑप्शन सी दिया गया है डिलेक्सी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि ऑटिज्म। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्राथमिक रंग को चिन्हित करें, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे प्राथमिक रंग है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है लाल, ऑप्शन बी दिया गया है नारंगी, ऑप्शन सी दिया गया है बैंगनी, ऑप्शन डी दिया गया है हरा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि लाल, यानी कि लाल रंग जो होता है वो प्राथमिक रंग है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कितने साल के बच्चे समान चित्र को बनाने के लिए वृत्तों एवं रेखाओं को जोड़ना शुरू कर देते हैं, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है एक साल के बच्चे, ऑप्शन बी दिया गया है दो साल के बच्चे, ऑप्शन सी दिया गया है तीन साल के बच्चे, ऑप्शन डी दिया गया है पाँच साल के बच्चे। तो इसमें आपको बताना है कि कितने साल के बच्चे समान चित्र बनाने के लिए वृत्तों और रेखाओं को जोड़ना शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि तीन साल के बच्चे। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लाजवर्त से कौन सा रंग दे सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हरा, ऑप्शन बी दिया गया है नीला, ऑप्शन सी दिया गया है पीला, ऑप्शन डी दिया गया है भूरा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि नीला। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पत्तियों घास पालक से कौन सा रंग दे सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हरा, ऑप्शन बी दिया गया है नीला, ऑप्शन सी दिया गया है पीला, ऑप्शन डी दिया गया है भूरा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि हरा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एक परंपरा के रूप में आज हम जिसका सम्मान कर रहे हैं वह एक सतत क्रांति का उत्पाद है, परंपरा एक आंदोलन हो सकती है जो सृजनात्मक रूप में जीवित हो सकती है, ऐसा किसने कहा है। जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं ये किनके द्वारा कहा गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है नेहरू जी के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है प्लेटो के द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो जो भी यहाँ पे कथन दिए गए हैं कि एक परंपरा के रूप में आज हम जिसका सम्मान कर रहे हैं वह एक सतत क्रांति का उत्पाद है, परंपरा एक आंदोलन हो सकती है जो सृजनात्मक रूप से जीवित हो सकती है, तो ये जो भी यहाँ पे कथन, ये कथन जो है नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। तो यही दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है फेसबुक ग्रुप है वहां भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक NIOS से डीलेट करें उन सबों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल लगा उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल भी सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।